नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा के जनता से है। योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरियाणा की वर्तमान सरकार जल संरक्षण की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है, ताकि गिरते भूजल स्तर को बचाया जा सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयासों की वजह से ही हरियाणा जल संरक्षण की दिशा में मिसाल पेश कर रहा है। मुख्यमंत्री के निस्वार्थ भाव से समाज की भलाई के लिए किए जा रहे कार्यों में संत महात्मा भी उनका सहयोग करने के लिए आगे आ रहे हैं। नशा मुक्त हरियाणा अभियान को आगे बढ़ाने में सहयोग करने के बाद अब संत महात्मा जल संरक्षण के लिए भी समाज में अलख जगाएंगे। देखिए हमारी खास रिपोर्ट के जरिए। पारदर्शिता के साथ काम कर रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मार्गदर्शन में प्रदेश एक विकसित राज्य के रूप में उभर रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयासों की वजह से ही हरियाणा जल संकट की दिशा में मिसाल पेश कर रहा है। मुख्यमंत्री के निस्वार्थ भाव से समाज की भलाई के लिए किए जा रहे कार्यों में संत महात्मा भी उनका सहयोग करने के लिए आगे आ रहे हैं। नशा मुक्त हरियाणा अभियान को आगे बढ़ाने में सहयोग करने के बाद अब संत महात्मा जल संरक्षण के लिए भी समाज में अलख जगाएंगे। संत महात्मा अपने प्रवचनों के माध्यम से लोगों को पानी बचाने के लिए प्रेरित करेंगे, जो कि हरियाणा के उत्थान के लिए मनोहर सरकार का ये कदम बेहतर साबित होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का मुख्य उद्देश्य है कि भावी पीढ़ी का भविष्य हर दृष्टिकोण से सुरक्षित हो। इस दिशा में मुख्यमंत्री हरियाणा को आगे बढ़ाने की दिशा में हर मुमकिन कदम उठा रहे हैं। मेरा पानी मेरी विरासत के बाद हरियाणा सरकार ने जल संरक्षण और जल संचयन के लिए एकीकृत जल संसाधन कार्य योजना तैयार की है, जिसका मुख्य उद्देश्य आगामी 2 वर्षों में पानी की मांग और उपलब्धता के अंतर को कम करना है। हरियाणा प्रदेश की पहचान एक कृषि प्रधान राज्य के रूप में होता है, इसीलिए कृषि के क्षेत्र में पानी की मांग अधिक होना स्वाभाविक है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सामाजिक सद्भाव का असर दिखने लगा है। नशा मुक्त अभियान के बाद अब जल संरक्षण की दिशा में बेहतरीन कदम। अब प्रदेश में संत महात्मा लोगों को पानी बचाने के लिए प्रेरित करेंगे। साल 2021 में 152 लाख एकड़ फसली क्षेत्र के लिए पानी की मांग 30,05,514 करोड़ लीटर थी, जो कि वर्ष 2025 तक 30,34,554 करोड़ लीटर होने का अनुमान है। बागवानी क्षेत्र के लिए वर्ष 2021 में पानी की मांग 1,64,838 करोड़ लीटर थी, जो कि वर्ष 2025 तक 2,12,131 करोड़ लीटर होने का अनुमान है। इसी तरह उद्योग एवं ढांचागत विकास क्षेत्र में वर्ष 2021 में पानी की मांग 1,04,418 करोड़ लीटर थी और वर्ष 2025 तक इस क्षेत्र के तहत 1,46,518 करोड़ लीटर पानी की मांग होने का अनुमान है। बिजली उत्पादन में भी पानी की मांग होती है, इसके तहत वर्ष 2021 में 19,127 करोड़ लीटर पानी की मांग दर्ज की गई थी, जो कि वर्ष 2025 तक 22,107 करोड़ लीटर होने का अनुमान है। इसके अलावा वर्ष 2025 तक मत्स्य पालन, वन एवं वन्य जीव स्थापना एवं संस्थागत जल क्षेत्र को घरेलू पानी की मांग के तहत 32,251 करोड़ लीटर, 12,161 करोड़ लीटर, 14,903 करोड़ लीटर और 1,35,625 करोड़ लीटर पानी की मांग आकी गई है। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए ये भी समझेंगे कि वर्तमान में पानी की उपलब्धता कितनी है। हरियाणा में वर्तमान में पानी की उपलब्धता 30,57,298 करोड़ लीटर है। प्रदेश में वर्तमान में पानी की मांग 44,59,976 करोड़ लीटर की है। पानी की मांग को देखते हुए मुख्यमंत्री की पहल पर योजना बनाई है।
14 लाख करोड़ लीटर के अंतर को पाटने के लिए बनाई गई है योजना। 2023-25 की जल कार्य योजना से प्रदेश की जनता को लाभ मिल रहा है। कार्य योजना तैयार करने से पहले अधिकारियों ने जिलावार रिपोर्ट तैयार की। मुख्यमंत्री के निर्देश पर हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण ने रिपोर्ट तैयार की। हरियाणा शायद देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने गांव स्तर पर जल प्रबंधन की योजना बनाई है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर 1,77,323 एकड़ जल भराव वाले क्षेत्र को सुधार पर काम शुरू है। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और नीली क्रांति का अग्रदूत रहा हरियाणा, अब जल संकट से निपटने और भावी पीढ़ियों को विरासत में जल प्रदान करने के लिए जल क्रांतिकारी की ओर कदम बढ़ा रहा है। इस दिशा में अपने भागीरथ प्रयास को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार बेहतर कदम उठा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। भू माफियाओं पर नकेल कसने के लिए हरियाणा की सरकार कड़े फैसले ले रही है जिससे प्रदेश अवैध माइनिंग से बच सके। इन सबकी वानगी तब देखने को मिली जब हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने भू एवं खनन विभाग की राज्य स्तरीय टास्क फोर्स कमेटी की बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य में खनन की नियमित निगरानी के लिए सैटेलाइट इमरजेंसी का उपयोग करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही भविष्य में किसी भी खनन अनुबंध क्षेत्र में से खनन सामग्री ले जाने वाले सभी वाहनों को जीपीएस से लैस किया जाएगा। देखिए खास रिपोर्ट। हरियाणा की मनोहर सरकार अवैध माइनिंग पर रोक लगाने के लिए लगातार कई बड़े और कड़े फैसले ले रही है। इसी कड़ी में हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने शुक्रवार को चंडीगढ़ में भू एवं खनन विभाग की राज्य स्तरीय टास्क फोर्स कमेटी की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में अवैध माइनिंग की अधिक समस्याएं हैं, उन संवेदनशील क्षेत्रों में चेक पोस्ट बढ़ाई जाए और सीसीटीवी कैमरे लगाने के बारे में भी विचार किया जाए। विशेषकर पकड़े गए अवैध वाहनों को खड़ा करने के लिए निर्धारित स्थानों पर भी सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर अधिकारियों की स्पेशल टीम बनाकर नियमित चेकिंग कर ये सुनिश्चित किया जाए कि वहां किसी भी प्रकार का अवैध खनन न हो। खनन अधिकारी अवैध खनन पर अंकुश लगाने के साथ साथ ओवरलोडिंग वाहनों का चालान भी अवश्य करें। मुख्य सचिव ने कहा कि अधिकारी जिलों में अवैध माइनिंग की सख्त मॉनिटरिंग एवं निगरानी करें और अवैध वाहन पकड़ते समय उसमें ले जाए जा रहे खनन को भी मौके पर उतरवाना सुनिश्चित करें। अवैध माइनिंग में संलिप्त वाहनों को छोड़ने में किसी भी प्रकार की लापरवाही ना करें। मुख्य सचिव ने कहा कि नियमित रूप से हर महीने जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठकें आयोजित की जाए और उनके मिनट्स पोर्टल पर अपलोड किए जाए। इसके अलावा मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि रवाना पोर्टल की भी लगातार निगरानी रखी जाए और इसमें आबकारी एवं कराधान विभाग को शामिल किया जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य में अवैध खनन को रोकने के लिए समय समय पर कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। इनके तहत वर्ष 2023-24 की प्रथम तिमाही में अवैध खनन को लेकर 120 FIR दर्ज कर 343 वाहन पकड़े गए और उनसे 2,34,24,250 रुपए का जुर्माना वसूला गया। पिछले वर्ष के दौरान अवैध खनन में लगे 1,349 वाहन पकड़कर उनसे 14,89,57,566 रुपए की जुर्माना राशि वसूल की गई। उन्होंने कहा कि नौ में पिछले वर्ष 2022-23 अवैध खनन में लगे 68 वाहन जब्त कर 23 FIR दर्ज की गई। इसके अलावा स्टोन क्रेश और स्क्रीनिंग प्लांट पर भी सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य किया गया है। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। हरियाणा की प्रगति और हरियाणा वासियों के उत्थान के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल कई बड़े काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल कृषि ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए एक स्वैच्छिक प्रकटीकरण योजना यानी VDS शुरू करने का निर्णय लिया है। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा की वर्तमान सरकार प्रदेश के हित में कई योजनाएं चला रही है जिनका नागरिक भरपूर लाभ उठा रहे हैं।
इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल की प्रेरणा एवं निर्देश बिजली की बेहतर योजना के लिए खेतों में चल रहे अनधिकृत लोड को दर्ज किया है, जिसको लेकर कृषि ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए एक स्वैच्छिक प्रकटीकरण योजना VDS शुरू करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत उपभोक्ताओं से कोई सेवा कनेक्शन शुल्क नहीं वसूला जाएगा और लोड को बिना किसी दंड शुल्क के नियमित किया जाएगा। इसके साथ ही हरियाणा पावर यूटिलिटीज के अध्यक्ष PK दास ने जानकारी देते हुए कहा कि इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के इच्छुक AP ट्यूबवेल उपभोक्ताओं बिना किसी नियम और शर्तों के फॉर्म शपथ पत्र की औपचारिकता के बिना UHBVN पोर्टल पर आवेदन करें और अपने ट्यूबवेल कनेक्शन के मोटरों के विस्तारित लोड की भी घोषणा करनी होगी। बाकी कनेक्टेड लोड के लिए ₹100 प्रति किलोवाट की दर से उन्नत खपत जमा के साथ इस योजना के तहत विस्तारित लोड के लिए एक स्वघोषणा पत्र 31 मार्च 2023 तक लंबित बकाया का भुगतान कर सकते हैं। एक स्वघोषणा पत्र 31 मार्च 2024 तक लंबित बकाया का भुगतान कर सकते हैं, जिसके आवेदक द्वारा निगम पोर्टल पर आवेदन करने और अपेक्षित ADC जमा करने की तिथि से लोड का विस्तार नियमित माना जाएगा। साथ ही निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा उपकरण ट्रांसफॉर्मर सर्विस केबलों की उपलब्धता और फीडर बाई परीक्षण को यथाशीघ्र मजबूत किया जा सके। वहीं उन्होंने बताया कि फ्लैट रेट उपभोक्ताओं को भी इस योजना के तहत लाया गया है, जिससे बशर्ते उपभोक्ता मीटर से आपूर्ति का विकल्प चुने और ये योजना 31 अगस्त 2023 तक वैध रहेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश के उत्थान के लिए हर मुमकिन कोशिश तो कर रहे हैं और समय समय पर बैठक के जरिए कई योजनाओं पर भी मुहर लगा रहे हैं, ताकि प्रदेश के गरीब और जरूरतमंदों तक हर एक योजनाओं का लाभ पहुंच सके और प्रदेश की जनता खुशहाली जीवन जी सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा सरकार प्रदेश में बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए कई बड़े निर्णय ले रही है, जिसको लेकर सरकार ने वीर बाल दिवस के अवसर पर बच्चों को PM राष्ट्रीय बाल पुरस्कार सम्मानित किया जाएगा। तो चलिए ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं। PM राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से 31 जुलाई 2023 तक अवार्ड का आवेदन कर सकते हैं। दो श्रेणियों में बालकों को आवेदन करना होगा। 25 बच्चों को यहाँ पर चयन किया जाता है। 1 लाख की राशि और मेडल सहित दिया जाता है प्रशासित पत्र। तो वहीं आपको बता दें कि बच्चों को जनवरी 2024 में राष्ट्रपति पुरस्कृत करेंगी। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर 2023 को होगी चयनित बच्चों के नामों की घोषणा। में आम नागरिकों को सरकार की योजना का लाभ मिल रहा है, तो चलिए ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं। आम नागरिकों को मिल रहा सरकार की सुरक्षा बीमा योजना का लाभ। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ मिल रहा है। यहां पर आयु सीमा भी निर्धारित किया गया है, 18 से 70 वर्ष। प्रीमियम राशि 20,000 वार्षिक आय है। दुर्घटना बीमा संस्करण में 2 लाख योजना के अंतर्गत लगातार लाभार्थियों को यहाँ पर लाभ देने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार प्रयासरत है। योजना में नामांकन कराने के लिए नजदीकी बैंक शाखा या डाकघर से संपर्क कर सकते हैं। तो यह आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल गरीब और जरूरतमंदों के हित में कई बड़े और कड़े फैसले ले रहे हैं, जिससे प्रदेश का उत्थान हो रहा है और नागरिक विकास की ओर अग्रसर हो रहे हैं। हरियाणा वो प्रदेश जिसकी गिनती देश के अग्रणी राज्यों में की जाती है। हरियाणा की छवि वर्तमान शासन में और भी ज्यादा मजबूत हुई है, क्योंकि यहाँ के नागरिक और व्यवस्था के बीच सुगमता के रास्ते गढ़े गए हैं, जहां से होकर नागरिकों को उन तमाम कल्याणकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ प्राप्त हो रहे हैं, जिनके वो हकदार हैं। इसी कड़ी में मनोहर सरकार ने गरीब और जरूरतमंद के विकास के लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की शुरुआत की है। इस योजना के लिए परिवार के पहचान के पत्र के लिए जरिए लोगों को लाभ मिल रहा है और गरीब जरूरतमंदों को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है। मुख्यमंत्री का सोच है कि योजनाओं का लाभ प्रदेश के हर एक नागरिक तक पहुंचे। इसी कड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की शुरुआत। इस योजना के तहत कौशल विकास, स्वरोजगार और रोजगार सृजन की शुरुआत की ओर कदम बढ़ाया गया है।
ताकि अंत्योदय परिवारों की न्यूनतम वार्षिक आय 1 लाख से 1,80,000 तक प्रति वर्ष बढ़ाई जा सके। मुख्यमंत्री के इस दूरगामी सोच से प्रदेश के लोगों का निरंतर विकास सुनिश्चित हुआ है। इस योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साल 2022 गुरु रविदास की 644वीं जयंती के अवसर पर किया था। अपना मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, इस योजना पर जो हमारा काम हुआ है, दो हमारे जो फेज में मेले लग चुके हैं, तीसरे फेज को इसी महीने हमने शुरू करना है। जो दो फेज के रिजल्ट्स हैं उसकी समीक्षा की गई है, क्योंकि कई हिस्सों में काम करना पड़ता है, मेले लगाना, परिवारों की पहचान करना और डिपार्टमेंट्स के माध्यम से उनको योजनाएं बताना, उसको अप्रूव करना, फिर बैंक से उनकी सहायता करवाना, बैंक के माध्यम से कितने लोगों को लोन मिलेगा, फिर उन्होंने डिसबर्समेंट, और डिसबर्समेंट के बाद भी वो लोग अपना उचित काम कर सकें तो ऐसे डिपार्टमेंट की ओर से उनके ऊपर एक ऐसी टीम, संरक्षकों की टीम हम लगाते हैं, ताकि जिस काम के लिए किसी व्यक्ति ने पैसा लिया है उसका ठीक उपयोग करे और अपनी आय बढ़ाए। तो इस सारे पर कंप्रिहेंसिव विचार हमने किया है और इसका लाभ हमको मिल रहा है। जो 1 लाख का हमने टारगेट किया था उसमें से लगभग 50,000 परिवार पिछले 2 बार के जो हमारे मेले लगे हैं उसके अंदर चिन्हित किया गया, जिनको ये लाभ दिलाया जाएगा। अगला जो फेज़ है इस महीने की 10 तारीख से उसको तीसरे फेज को हम शुरू करेंगे, ताकि ये तीसरा फेज भी महीने के अंत तक। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से राज्य के गरीब परिवारों की आय में वृद्धि करने के लिए शुरू किया गया है। ये एक ऐसी योजना है जिसके जरिए गरीब परिवारों के पहचान पत्र बनाए जाते हैं और गरीब जरूरतमंदों को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है। यही नहीं, हरियाणा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत कुछ परिवारों को चयन भी किया जाता है, जिनकी आय को बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से हर संभव प्रयास करने की पूरी रूपरेखा भी तैयार की जाती है, जिसके तहत इन सभी परिवारों को विभागीय योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है और इसमें आवेदन करवाने के लिए भी एक ऐप का शुभारंभ किया गया है। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। हरियाणा सरकार परिवार स्तर पर आर्थिक सहायता के लिए तत्पर। 1 लाख सालाना से कम आय वाले परिवारों के बनते हैं परिवार पहचान पत्र। परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का किया जा रहा है प्रयास। पहचान पत्र बन जाने से सरकार के पास होगी लाभार्थियों की सूची। सरकार की ओर से सूची के जरिए लाभार्थियों के उत्थान का प्रयास जारी। सरकार की ओर से बेरोजगार नागरिकों को कौशल विकास प्रशिक्षण किए जाते हैं प्रदान। राज्य के लगभग 1 लाख परिवारों योजना का मिल रहा है लाभ। 8,000 से 9,000 प्रति माह की आय वाले परिवारों के लिए किए जाते हैं ज्यादा प्रयास। शिरोमणि गुरु रविदास जी के 644वीं जयंती के अवसर पर योजना की शुरुआत। सीएम मनोहर लाल ने वीसी के जरिए की हरियाणा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की घोषणा। हरियाणा के नागरिकों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है योजनाओं का उद्देश्य। हरियाणा में योजना के लागू होने के बाद बेरोजगारी दरों में गिरावट आई। राज्य के गरीब नागरिकों को योजना के तहत मिल रहे हैं रोजगार के अवसर। योजना के जरिए राज्य के गरीब परिवारों को दिया जा रहा है ज्यादा धन कमाने का लाभ। अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के जरिए गरीब भी हो सकते हैं विकसित। हरियाणा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के पोर्टल के बारे में दी जा रही जागरूकता। योजना के जरिए कम आय वाले परिवारों की वित्तीय सहायता होती है प्राथमिकता। सरकार की ओर से हरियाणा राज्य में पैदा होते हैं रोजगार के नए अवसर। वार्षिक आय 1 लाख से कम वाले परिवारों को मिलती है आय में वृद्धि के अवसर। सरकार की ओर से स्वरोजगार के लिए ब्याज मुक्त ऋण देने की व्यवस्था। वहीं मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत प्रदेश के 1 लाख से ज्यादा गरीब परिवारों की आय बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें से पहले 2 चरणों में आयोजित अंत्योदय मेलों में लगभग 50,000 से ज्यादा परिवारों को बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाया गया है। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
उम्मीदवार की वार्षिक आय 1 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि आवेदक के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज क्या क्या हो सकता है। आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, स्थायी प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, परिवार पहचान पत्र। वहीं इस योजना के तहत हरियाणा के सरकारी महकमों, बोर्ड निगमों और सरकारी संस्थाओं में फिर से अनुबंध आधार पर कर्मचारियों की भर्ती होगी और नौकरी के लिए अंत्योदय परिवार के सूची में शामिल परिवारों, सक्षम युवाओं और जरूरतमंद लोग जिनके परिवारों की वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से कम है, उन्हें भी प्राथमिकता दी जाएगी। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि योजनाओं के तहत शामिल विभाग कौन कौन से हैं। हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी, हरियाणा राज्य बाल भवन परिषद, महिला विकास निगम, पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम हरियाणा, कौशल विकास मिशन, अनुसूचित जाति एवं वित्तीय विकास निगम, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, विकास एवं पंचायत विभाग, रोजगार विभाग, मत्स्य पालन विभाग, बागवानी विभाग, पशुपालन और डेयरी विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। वहीं हमारे देश में काफी ऐसे लोग हैं जो आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण अपना जीवन अच्छे से यापन नहीं कर सकते और ऐसे में उन्हें काफी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। इसके चलते मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से हरियाणा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का आरंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से गरीब जरूरतमंदों की जीवन स्तर ऊपर उठाने में काफी हद तक राहत मिलेगी और उन्हें विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर भी प्रदान होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, हरियाणा में आत्मनिर्भर भारत योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका सही जवाब है ए, लोन प्रदान करना। ढेरों जवाब आए लेकिन आज के हमारे विजेता हैं जिंद से अजय माथुर। अजय, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो वक्त हो गया है आज के सवाल का, तो चलिए अब जान लेते हैं आज के सवाल में क्या कुछ। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं आज के सवाल पर। हरियाणा दिवस किस दिन मनाया जाता है? ए 1 नवंबर, बी 2 नवंबर, सी 1 अगस्त, डी 1 सितंबर। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो इस खास कार्यक्रम के जरिए हमारा मुख्य उद्देश्य है हरियाणा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और उसका लाभ प्रदेश के हर एक नागरिक तक पहुंचाना है, क्योंकि जब प्रदेश का हर एक नागरिक समृद्ध और खुशहाल होगा तभी प्रदेश विकास के पद पर आगे बढ़ेगा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।